हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी उन्मन शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल और हमारी ऐप पे। और बच्चों, आपको पता ही है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है ये। और इस टाइम पे स्टडी कर पाना और भी बहुत सारी, मतलब अपनी हेल्थ को ठीक रखना रख पाना ही बहुत मुश्किल बात है। और स्टडी कर पाना और ये चीज़ें, सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो आज जो हम आपके लिए एक चीज़ लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम जो करेंगे, मैंने टारगेट रखा है कि हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री से, साइंस को शुरू करेंगे किससे, केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में बच्चों हम लगभग 10 वीडियोस में केमिस्ट्री जो है वो कवर कर देंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंप्लीट 10 वीडियोस में केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ नहीं लेके चलूँगी, टॉपिक मैंने बहुत पढ़ा दिया यूट्यूब चैनल पे। इसमें मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके चलूँगी। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स करेंगे और उसके बाद में हम बायो करेंगे। इनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनकी मैं 10 10 वीडियोस आपको दूंगी। और भी अगर आप ज़्यादा अच्छे से कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप शिक्षा हब ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसको आप शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी और साथ के साथ अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो बच्चों तो वो भी कर सकते हो। तो चलिएगा शुरू करेंगे केमिस्ट्री में हम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है बच्चों की केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, अगर आपसे जनक एग्जाम में पूछ ले, रसायन विज्ञान के अगर एग्जाम में रसायन विज्ञान के आपसे जनक पूछ लिया जाए बच्चों, तो आप सिंपल सी बात है किसका नाम बताते हो? लेवोसियो का नाम बताते हो। किसका नाम बताते हो? लेवोसियो या लेवोसियर लिखा आता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? लेवोसियो। यानी ये क्या है? आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, केमिस्ट्री में जो मेनली इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो आपसे, या तो आपसे कोई भी रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कोई भी, या आपसे केमिकल नेम पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपकी पीरियोडिक टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या आपके एटॉमिक नंबर वगैरह कैसे फाउंड आउट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम सीरीज वाइज करेंगे। 5 वीडियोस में तो आपको मैं कंसेप्ट करवाऊंगी और 5 वीडियोस में इसके आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दूंगी। तो अब आप एक चीज और नोटिस करके चलना कि जो अपनी ये चीजें रहेंगी ना, ये सारी की सारी एग्जाम बेस्ड रहेंगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेस पे ही हम इन चीजों को करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं जो आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, वहाँ से शुरू करूँगी, जिनका हम बार बार यूज़ करेंगे। और मैंने आपको पहले भी, अगर आप YouTube पे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अटोमिक नंबर। क्या बोलते हैं? अटोमिक नंबर। तो बच्चों ये अटोमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, इसके बारे में बताइए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, परमाणु संख्या क्या है, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो नीचे, देन आप क्या आंसर करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी तत्व में यानी एलिमेंट में प्रेजेंट, एलिमेंट में प्रेजेंट, तत्व में उपस्थित। हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, मैं दोनों के दोनों जो कंसेप्ट है वो साथ लेके चलूंगी। किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में गलती हो सकती है लिखने में भाई, ये ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। यानी या प्रोटॉन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि या तो आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे या आप प्रोटॉन को काउंट करोगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख के चलेंगे। तो किसी भी तत्व एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हमारी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास क्या आएगी? आपके पास आएगी परमाणु संख्या। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होगा?
परमाणु संख्या होगा। ठीक है, तो आप बेसिकली जानते ही हो बच्चों कि किसी भी एलिमेंट्स में तीन बेसिक कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन बेसिक होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। ये मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब ये कोई भी तत्व है किसी भी, ये न्यूक्लियस होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस यानी हिंदी में हम क्या बात करेंगे, नाभिक बोलते हैं। किसी भी तत्व के सेंटर पॉइंट को नाभिक बोला जाता है, और इस नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी भी तत्व के सेंटर पॉइंट को, किसी भी परमाणु के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और नाभिक परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं, और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक के अंदर रहते हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा कि परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है, परमाणु के नाभिक में वास किसका होता है बच्चों, तो परमाणु के नाभिक में वास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद एक चीज और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनकी खोज आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, अपनी ट्रिक क्या है, पग नच इथ, पग नच इथ। पै का मतलब है यहाँ पे किससे, प्रोटॉन से, पै का मतलब है प्रोटॉन से। अब यहाँ पे प्रोटॉन की खोज गैस है किसने की है, गैस है गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों, गोल्डस्टीन। नच की बात करें तो यहाँ पे नेस का मतलब है न्यूट्रॉन, और चै का मतलब है चैडविक, यानी आपके न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। इथ की बात करें तो ई का मतलब है यहाँ पे किससे, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, थैसे थॉमसन, जे जे थॉमसन। ठीक है, यानी पग नचित, पैसे प्रोटॉन, खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ई से इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की, थॉमसन ने। होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व में उपस्थित या तो आप प्रोटॉन को काउंट कर लीजिए, या उसमें उपस्थित किसको काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में, या फिर आप बोल दो किसी भी परमाणु में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को काउंट करोगे आप, यानी इनको जोड़ोगे तब आपके पास एटॉमिक मास आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ ले कि किसी भी परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संख्या क्या कहलाती है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा परमाणु द्रव्यमान। यानी चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे एक परमाणु संख्या समझ में आ गई होगी आपको, एक परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। इनके बेस पे एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं बोलूँ कि किसी तत्व में उपस्थित, आप मन में इसका आंसर सोच सकते हैं, किसी तत्व में प्रोटोन की संख्या, प्रोटोन की संख्या 10 है, और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 15 है, तो इसमें उपस्थित, तो इसमें उपस्थित
परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जब परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपकी क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। तो मैंने तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया, आपको प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर दे दी 10 है और आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे दी 15 है, तो आप इस 10 + 15 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 25 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की जगह आपको अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया होता ना, अगर यहाँ पे प्रोटॉन की जगह आपको इलेक्ट्रॉन भी लिखा दिया रहता तो भी आपका आंसर आ सकता था। कितना आता? 25 ही आता, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन चीजों को, इन छोटे छोटे कंसेप्ट को आप पकड़ोगे तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी मार नहीं खाओगे। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल और यहां पे लिखूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, कि किसी तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या 45 है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो बताइए कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या कितनी होगी? क्या बोला मैंने कि किसी तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 45 है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। तो बताइए कि परमाणु संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब बहुत से बच्चे तो इस 45 को देख देख के परेशान हो जाएंगे कि ये 45 किस लिए दिया है। भाई वो तो देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बहुत कुछ लिख के देगा, लेकिन आपने जस्ट डेफिनेशन पे काम करना है कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होती है। यानी या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट कर लीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे जो सही आंसर आएगा ना, वो आपका आएगा 10 ही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? क्लियर है ना इतनी बात? तो एटॉमिक नंबर यहां पे कितना हो गया, परमाणु संख्या कितनी होगी यहां पे? 10 होगी। और यहां पे आपसे वो द्रव्यमान संख्या पूछता, तो द्रव्यमान संख्या में आप इन दोनों को जोड़ते, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 45, प्लस में आपको किसका संख्या जोड़, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। 45 + 10 कितने हो गए? 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55, अगर आपसे वो द्रव्यमान संख्या को पूछेगा तो। क्लियर है इतनी बात? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से इसका आंसर कर देना। अच्छा, उसके बाद चलिएगा, ये परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ और इसके बेस पे न्यूमेरिकल इसी तरीके के आएंगे, वो मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज होती है, देखो बच्चों, समस्थानिक, जो बहुत, मतलब समस्थानिक एक ऐसी चीज है, आइसोटोप्स ऐसी चीज है जिसने एक तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को खराब किया था। कैसे खराब किया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए समस्थानिक की अगर हम बात करें ना, आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, तो समस्थानिक होते क्या है? किसी भी तत्व में अगर परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो, लेकिन लेकिन द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या, या आप इसको आप लिख सकते हो एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास या क्या लिख सकते हो? परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान, अरे सॉरी, परमाणु संख्या तो क्या हो, सेम हो, परमाणु संख्या तो क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए। वो आपा अलग पढ़ने, संभारिक की मैंने बता दी थी, लेकिन किसी तत्व में अगर परमाणु संख्या सेम हो, क्या सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। तो किसी भी तत्व में उपस्थित अगर परमाणु संख्या तो क्या हो, सेम हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वो क्या होते हैं, समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल, आपसे इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसी तत्व में उपस्थित परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे समस्थानिक। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा समस्थानिक क्या है, और ये आपको डेफिनेशन जो आपने दी है ये आपको ऑप्शन के रूप में दे देगा, तो आप किसी भी तरीके से दे वो आप देख लेना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, क्या बोलूँ मैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, लिथियम के दो होते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे कि मैंने बोला 1H1 पहला, दूसरा है 1H2, तीसरा है आपका 1H3, तो ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक दो तीन, ये ऊपर वाली जो चीज़ एक दो तीन में लिखी आ रही है ना, एक दो तीन, ये बच्चों क्या है, द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, या फिर आप इसको बोल सकते हो परमाणु भार। आप ध्यान में रखना बच्चों कि भार हमेशा सिर पे ही होता है, तो ये भी सिर पे ही, एक दो तीन है ना। तो ये नीचे वाला एक एक एक, यानी यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक है, तो ये बच्चों क्या है, परमाणु संख्या है। तो अब ये अगर इस तरीके से भी आपको वो एग्जाम में लिख के दे दे 1H1, 1H2, 1H3, इस तरीके से वो आपको लिख के दे दे कि ये किसी भी चीज के क्या है, तो ये बच्चों किसी भी चीज के क्या होते हैं, समस्थानिक है। इस तरीके के नंबर अगर वो क्वेश्चन में लिख के डाल के दे 1H1, 1H2, 1H3, इस तरीके के नंबर लिख के दे और बोले कि ये किसी भी चीज के क्या है, संभारिक है, समस्थानिक है, मतलब इस तरीके से एलोट्रोप्स हैं, कुछ भी लिख के दे, तो आपका आंसर आएगा समस्थानिक, यानी आइसोटोप्स हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, समस्थानिक होती है। इसको बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा ली, ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में एग्जाम में पूछी जाते हैं। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है बच्चों, वो क्या है, देखो आपको बोल दिया जाए, एक सेकेंड वेट कीजिए, तो चलिएगा नेक्स्ट देखिए। मैंने बोला कि ये जो समस्थानिक है ना, इसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को खराब किया, तो वो कैसे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इन समस्थानिक ने, इन आइसोटोप्स ने खराब क्यों किया, जल्दी से जल्दी बताइए। तो यहां पे देखो, मन में सोचो कि आइसोटोप्स कैसे खराब कर सकते हैं। देखो सबसे पहले, देखो तत्वों को वर्गीकृत करने का काम, सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करने का काम किया था डोब्रेनियर नामक वैज्ञानिक ने, यानी सबसे पहले तत्वों को जचाया था, क्लासिफाई किया था, किसने किया था, डोब्रेनियर ने। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, क्या पूछ ले कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, या सबसे पहले आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल या सबसे पहले आवर्त सारणी की हम बात करें तो मेंडलीव ने बनाई थी, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को सक्सेस बनाने वाला पर्सन भी, सक्सेस बनाने वाला जो आर्टिस्ट था वो भी कौन था, मेंडलीव था। आप इस चीज को बहुत अच्छे से माइंड में बिठा ले। कई बार आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो उसमें भी जो नाम लिखा आता है ना, वो मेंडलीव का लिखा आता है। तो लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चल रहा है, परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई आज की जो पीरियोडिक टेबल, वो मोजले ने दिया, वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आइसोटोप्स का कंसेप्ट चल रहा है, तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो पहली बार दी मेंडलीव ने दी, देखिए मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसका आधार क्या है, उसका बेस जो है वो क्या है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसका बेस क्या है बच्चों, देखिए इसने, मेंडलीव ने तत्वों के
परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया। तो अब एक चीज यहां पे आप नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करेंगे आप, किसके बेस पे? परमाणु द्रव्यमान। यहां पे जो हाईलाइट करने वाली चीज है वो क्या है बच्चों? यहां पे हाईलाइट करने वाली जो चीज है वो है आपका कि परमाणु द्रव्यमान किसके बेस पे? परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। अब एक चीज सोचिए कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे इसने तत्वों को क्लासिफाई किया। इसने जो फर्स्ट पोजीशन दी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अगर हम देखते हैं तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है? हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन की फर्स्ट पोजीशन है। और मैंने एग्जांपल हाइड्रोजन का लिया, और भी बहुत ऐसे एलिमेंट हैं जिनके समस्थानिक होते हैं, है ना, लेकिन मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको बता दिए, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी लगेगा। तो हाइड्रोजन जो है इसके तीन समस्थानिक होते हैं। अब मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के। अब अगर मैं हाइड्रोजन का आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछ लूं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो आप बता देंगे 1 point something होता है। लेकिन अगर हम मैं समस्थानिक के बेस पे बात करूं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स में उसके परमाणु द्रव्यमान तीनों आइसोटोप्स में तीनों बार बदल जाएंगे। देखिए 1H1, दूसरा क्या था 1H2, तीसरा क्या था 1H3। अब अगर मैं हाइड्रोजन की पोजीशन बोलूं कि हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट है, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए इसको तीन पोजीशन बनानी चाहिए थी समस्थानिक को देखते हुए। कैसे? हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि पहले जिसको आप हाइड्रोजन का फर्स्ट समस्थानिक जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटियम बोलते हैं, उसका परमाणु द्रव्यमान एक है। जिसे हम ड्यूटीरियम बोलते हैं जिससे भारी जल का निर्माण होता है, ड्यूटीरियम जिससे भारी जल का निर्माण होता है उसका परमाणु द्रव्यमान दो है, और ट्रिटियम जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ट्रिटियम जिससे क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन का ऐसे समस्थानिक जिसके द्वारा हाइड्रोजन बम बनता है, उसका अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? तीन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितने हो गए समस्थानिकों की बात करें तो? तीन हो गए। तो कितनी पोजीशन होनी चाहिए थी? तीन होनी थी, लेकिन मेंडलीव ने समस्थानिकों को कोई भी जगह नहीं दी थी। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। तो तभी मैंने बोला था वहां पे कि समस्थानिकों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल को बना रहा था। अब अगर वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाता, चाहे वो 1H1 की बात कर लेता, चाहे अब वो 1H2 की बात कर लेता, चाहे 1H3 की बात कर लेता, तो उसका परमाणु संख्या क्या रहती? एक ही रहती। सिंपल सी बात हुई, समझ में आ गया ना इतनी बात। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बोली थी मैंने, ड्यूटेरियम से क्या बनता है? भारी जल बनता है। भारी जल हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक से बनता है? ड्यूटीरियम से। ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला होता है D2O। आपसे पूछ लिया जाए कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो नाम बता देंगे HC Urey ने भारी जल की खोज की थी। परमाणु अगर आपसे पूछा जाए कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? HC Urey ने। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन बम किससे बनता है, तो ट्रिटियम से बनता है। हाइड्रोजन बम आप जानते ही हो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्लियर है? होप सो आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। कोई बड़ा मतलब सारे के सारे कंसेप्ट को टॉपिक वाइज आपने साइंस बहुत पढ़ ली होगी। टॉपिक वाइज के लिए अपनी ऐप है, आप छोटा मोटा कोर्स जो साइंस का चल रहा है वो परचेज कर सकते हो 249 का। उसमें ऑलमोस्ट मैं साइंस आपको करवा चुकी हूँ। 249 का ही कोर्स है, कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। शिक्षा हब ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका 249 का साइंस का कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे 2 chapter रह चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, जब मर्जी देखो, नोट्स अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कंसेप्ट वाइज जो हम चल रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे।
एक सेकेंड वेट। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ना बच्चों हमारा, वो क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आपको मैंने एक चीज बोली कि हाइड्रोजन जो है इसके तीन समस्थानिक होते हैं, तो इससे अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि हाइड्रोजन से जल का निर्माण होता है और हाइड्रोजन से ही हम हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है? यानी कि एक तो है कि हाइड्रोजन हमें जिंदगी दे रहा है जल बना के, और एक कंसेप्ट ये हो जाता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम बना रहा है और उससे हमारी जिंदगी ले रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या राज है? तो आप ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तीन, और वो अपना अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? थ्री। तो इस चीज पे आप कंफ्यूज मत होइए कि हाइड्रोजन से ही जल बनता है, हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन बम बनता है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ठीक है? वो अपना अलग अलग, यानी एक बाप के तीन बेटे हैं, एक बाप के एक पिता के थ्री पुत्र हैं, थ्री सन हैं, तो आपको पता है कि तीनों के गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, हो सकते हैं ना, तो इनके अलग अलग हैं। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जल का। तो बच्चों जल जो है ना, जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आप जानते हो, ठीक है? तो मतलब अपने को साफ सुथरा जल पीना चाहिए। तो जल की अगर बात करें तो जल जो होता है 71% पार्ट जो है वो जल का ही कंटेन करते हैं, है ना, पृथ्वी। तो अब दो प्रकार का होता है, कौन सा कौन सा? एक होता है मृदु जल, मृदु जल, और एक होता है कठोर जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। इसको सॉफ्ट वाटर, तो इसको क्या बोला जाएगा? हार्ड वाटर बोला जाएगा। देखिए सॉफ्ट वाटर की, मृदु जल की अगर हम बात करें, सॉफ्ट वाटर की अगर हम बात करें, ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे, आसानी से झाग दे, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदु जल बोलते हैं। और हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग न दे, से झाग न दे। समझ में आ गया होगा? आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसे क्या बोलते हैं, और ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग न दे उसे क्या बोलते हैं? एक सेकंड पानी पी लीजिए आप भी, ठीक है? तो एक होता है मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, एक होता है कठोर जल यानी हार्ड वाटर जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। अब उसके बाद में जो कंसेप्ट आता है हमारा, वो क्या आता है कि आपको बोल देगा वो कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। जल की जो क्या हो गया, जल की जो कठोरता होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखिए जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, ठीक है? दूसरी होती है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है अभी, मेरा हाथ नहीं टिका अभी इस पे, ठीक है? अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस, ठीक है? यानी एक तो हमारी क्या हुई, स्थायी कठोरता जिसको आप परमानेंट बोलते हो, और एक होती है अस्थायी जिसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेरी बोलते हो, ठीक है? ये किस कारण होती हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। स्थायी कठोरता की अगर हम बात करें तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट यानी या तो क्लोराइड या सल्फेट घुले होने के कारण जल जो क्या होता है,
कठोर होता है। अब स्थाई कठोर होता कैसा है, मतलब जो ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से भी दूर ना हो, ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से भी दूर ना हो वो क्या होती है, स्थाई कठोरता होती है। और ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाए वो क्या होती है, अस्थाई कठोरता होती है, यानी टेम्परेरी हार्डनेस होती है। यानी ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाए वो क्या होती है, स्थाई कठोरता होती है। और ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर ना हो, सॉरी, जो जल को उबालने से दूर न हो वो स्थाई, सॉरी भाई एक सेकेंड, जो जल को उबालने से दूर न हो वो परमानेंट हार्डनेस होती है, और जो जल को उबालने से दूर हो जाए, लिख ही देते हैं, कंफ्यूज मत होना, उबालने से दूर हो जाए वो क्या होती है आपकी, अस्थाई कठोरता। और जो जल को उबालने से दूर ना हो, दूर न हो, वो आपकी क्या होती है, स्थाई कठोरता। समझ गए, क्लियर है। और जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट घुले होने के कारण क्या होती है, जल की स्थाई कठोरता। और अस्थाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम का सिंबल Ca और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण, बाई कार्बोनेट घुले होने के कारण क्या होती है, जल की अस्थायी कठोरता। और ये एग्जाम में आता है, 100% आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण तो क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है। और जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण क्या होती है, अस्थायी कठोरता होती है। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। होप सो आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद चलो नेक्स्ट, अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं। अब मैंने अस्थायी कठोरता का वो तो बता दिया, तो जल में बुझा हुआ चूना डालकर, बुझा हुआ चूना डालकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जल में बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों, बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca(OH)2। इसको जब डालोगे तो जल की अस्थाई, अब देखो जल की स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल की स्थाई कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है, जाता है। समझ में आ गई, तो जल की स्थाई कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है। ये बात भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये जो आपके क्या थे, कंसेप्ट थे साइंस के, बहुत इजी इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं ये थे आपके। तो देखिए इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, 10 पार्ट्स की बात की है मैंने, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवा दूंगी। आज मैंने थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है, आधे घंटे की ही ये लगभग वीडियो बनी है अपनी, कल एक एक घंटे की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और लाइव सेशन भी जो है हम यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे इसी तरीके से, होप सो आप बहुत अच्छे से उसमें भी ज्वाइन करोगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अपनी शिक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। थैंक यू सो मच।